दागियों के दलदल में नीतीश सरकार, और अब अलावा बचाव करने के और उन दागियों के साथ खड़े रहने के और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है इस नई नवेली सरकार के, इस नए नवेली गठबंधन पर। अख्तरुल साहब, 30 सेकंड में आपको दे रही हूं टाइम के साथ, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, कोई एक को ऐसा विधायक आप सरी का नहीं मिला जिसे कानून मंत्री, कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री बनाया जा सके, जिस पर आरोप ना हो, गंभीर आपराधिक केसेस ना हो? देखिए रूपिका जी, पूरे पूरे हिंदुस्तान को देखिए, पूरे भारतवर्ष को देखिए, केंद्र की मोदी सरकार को देखिए, विभिन्न राज्यों की सरकार को देखिए, पॉलिटिकल लोगों पर जो पब्लिक लाइफ में रहते हैं उन पे कुछ मुकदमे होते रहते हैं, कुछ पॉलिटिकल केसेस भी होते रहते हैं, तो जब तक के वो मामला न्यायालय में चलता है वो मंत्रिमंडल में रहते हैं। मैंने बताया मोदी सरकार में 31 मंत्री जिस पे केस मुकदमे चल रहे हैं, कई गंभीर मामले, हत्या का प्रयास, जैसे हम नाम गिना सकते हैं आपको मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग हैं, मुरुगन जी हैं, नित्यानंद राय जी हैं, परमाणिक जी हैं, तमाम लोग, पंकज चौधरी जी हैं, मुरलीधरन जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए जी, पॉलिटिकल लाइफ में बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी भी वही कर रही है जो बाकी पार्टियां करती है, हमसे कुछ नहीं की उम्मीद क्यों कर रहे हैं आप लोग? गौरव भाटिया, रूबिका जी, चर्चा के दौरान मैं सोच रहा था कि जो हमारी बहन जिसको आज गोली मारी गई है, उसका परिवार अगर आरजेडी के एमएलए को सुन रहा होगा तो उनको कैसा लग रहा होगा? जो फौजी अपनी जान दे देता है देश की रक्षा करने के लिए, उसकी वर्दी को जब कुछ गुंडों ने फाड़ा होगा, उसे मारा होगा, तो उस परिवार को कैसा लग रहा होगा? और रूबिका जी, सत्य क्या है मैं आपको बताता हूं, आरजेडी रंगदारी, आर जे से जंगल राज और डी से डकैती, और ये मिल जाता है जे डी यू, जंगल राज डकैती और यूनाइटेड हैं जंगल राज में। ये सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन क्या सामने आ रहा है, एक 15-16 साल की बच्ची, उस पर हमला होता है, गोली मार दी जाती है। संदेश ये है कि गुंडे वापस आ गए हैं, घर से मत निकलो, ये बहनों को संदेश दे रहे हैं। आप बताइए, कानून और वर्दी का रसूख होता है। रूबिका जी, कार्तिकेय सिंह जिनके खिलाफ वारंट था वो न्यायालय नहीं गए, उनको पता था कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का हाथ उनके सर पर है, वो शपथ लेने जाते हैं। और दुखद क्या है मैं बताऊं, जिस मंत्री को न्यायालय जाना था वो शपथ ले रहा था, और नीतीश कुमार जिसका कैबिनेट मंत्री है उससे पूछा गया कि ये कार्तिकेय सिंह कौन है, कहते हैं हमें तो पता नहीं है कुछ, हमें तो केस के बारे में पता नहीं है। एक मुख्यमंत्री को ये भी नहीं पता कि उसके मंत्री पे कितनी गंभीर धाराओं में केस चल रहा है। लालू प्रसाद यादव एक कदम और आगे बढ़ते हैं, जिस जंगल राज के लिए वो जाने जाते हैं वो कहते हैं कोई केस वेस नहीं है, मतलब वो भूल जाते हैं कि न्यायालय ने उनको बेल देने से मना किया था और उनके जो चार्जेस थे उसको रद्द करने से मना किया था। और मैं एक ही बात कहूंगा, जिस तरह से यहाँ पे सही ठहराया जा रहा है कि अगर करीब 53% ऐसे मंत्री हैं जिन पे गंभीर आरोप हैं, तो भी ये लोग कहते हैं कि अरे भैया ये गंदगी जरूरी है, अगर आपको मंत्री बनना है तो पहले फिरौती, डकैती, हत्या, लूट और बलात्कार का मुकदमा होगा तो आप मंत्री बनोगे। और जनता की इसमें गलती इसलिए नहीं है कि जनता ने, जैसे मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, मोदी जी ने क्यों रखा, मोदी कैबिनेट में इसका जवाब भी दीजिए। मैं आपके बीच में बोला नहीं विधायक जी, विधायक जी आप नहीं लगता है बरकरार रहेगा अगर आप बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं अभी, अच्छा एक बात बताइए, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। आप ये बताइए, इतने कम समय में, एक हफ्ते में, दो पत्रकार मारे गए, एक पुजारी मार दिया गया, एक कार का शोरूम था वहां पे गार्ड था उसको मार दिया गया, एक 15 साल की हमारी बहन को गोली मार दी जाती है, एक फौजी को मारा जाता है, और आप यहां पे आके कहते हैं कि दूसरों की सरकारें देखिए। अरे जो जंगल राज बिहार में है, ना महिला सुरक्षित है,
गौरव भाटिया आपने कहा, आपने कहा जेडी और आरजेडी उनका उनका फुल फॉर्म भी आपने अपने हिसाब से बनाने की कोशिश की। अख्तरुल साहब भी है और माधव आनंद जी भी है जो कुछ देर कुछ टाइम पहले तक आप ही का साथ दिया करते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।